साथ दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान अंगीकृत दिवस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। असंगठित कामगारों को रोजगार मुहैया करवाने और श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध। सभापति पद के लिए कल होगा मतदान, पार्षदों की बाड़ाबंदी जारी। 45 दिन पूर्व हुई लाखों की चोरी का नहीं हुआ खुलासा, सीआई से मिला पीड़ित पक्ष। अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। यह वर्ष संविधान अंगीकृत करने का 70वां वर्ष है। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ द्वारा अधिवक्ता संघ हनुमानगढ़ के सहयोग से 12वें विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एडीजे विजय प्रकाश द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। हाँ सर, सर बताएं सर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम सभा हुई और संविधान को एडॉप्ट कर लिया। उस दिन से लेकर के आज तक अपन इसको एक ऐसे दिवस के रूप में मना रहे हैं जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके बाद 1979 में वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे लीगल डे के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया और 2015 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। तब से लेकर के 26 नवंबर को संविधान दिवस अपन मनाते आ रहे हैं। इस बार भारत सरकार, राजस्थान राज्य, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी की ओर से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चूँकि इस बार 70वां वर्ष है संविधान को अंगीकृत किए हुए, इसलिए इसे एक विशेष दिवस को एक दिन के लिए नहीं अपना करके बल्कि एक विशेष सप्ताह के तौर पर और पूरे वर्ष तक इसे मनाया जाए। संविधान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, संविधान के जो मूलभूत फीचर्स है, विशेषताएं हैं, उनको आम व्यक्तियों को ज्ञान हो, इसके लिए संविधान की प्रस्तावना को और संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़ करके सबको सुनाया जाए और संविधान के अंगीकृत करने के पीछे जो हिस्ट्री रही और इससे हमें क्या हासिल हुआ इसके बारे में बताया जाए। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल 10 बजे बार संघ के साथ बार रूम में जिला प्रशासन, न्याय विभाग, पुलिस प्रशासन और अधिवक्ता संघ सभी की ओर से सामूहिक कार्यक्रम रखा गया है जिसके तहत संविधान दिवस को एक विशेष दिन के रूप में मना करके संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV, पैनल एडवोकेट्स, न्यायिक अधिकारी, NGOs, लॉ स्टूडेंट्स आदि की विभिन्न टीमें जाएगी। विभिन्न स्कूलों में, पंचायतों में, गांवों में, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए संविधान की शपथ का पोस्टर लेकर के, प्रारूप लेकर के जाएगी और उस पोस्टर पर जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं उनके हस्ताक्षर करवाएगी। और इसका हमारा मुख्य रूप से लक्ष्य ही है कि संविधान के प्रति आम आदमी की आस्था रहे, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान रहे और अपने कर्तव्यों को समझकर उनका निर्वहन करें। अखिल भारतीय असंगठित कामगार यूनियन कांग्रेस की ओर से असंगठित कामगारों की अनदेखी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शीतकालीन सत्र में श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन का भी विरोध जताया गया। मुर्दाबाद केंद्र सरकार, मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी, 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 मुर्दाबाद केंद्र सरकार, मुर्दाबाद।
अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस की तरफ से आज पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार की असंगठित कामगार कामगारों के की जो अनदेखी की जा रही है उसको लेकर के आज सभी असंगठित कामगार कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दिए गए हैं। अभी असंगठित का हमारी जो मुख्य मांगे हैं, असंगठित का जो हमारे कामगार हैं देश के अंदर 40 करोड़ की उनकी संख्या है, उनको उनका काम जो है वो सुनिश्चित किया जाए, काम की गारंटी की सुनिश्चितता की जाए और उनके जो अन्य जो उनका एक रजिस्ट्रेशन जो है 40 करोड़ असंगठित कामगारों का वो प्राथमिकता से किया जाए और एक जो सरकार अभी लोकसभा के अंदर एक कानून ला रही है वो उस कानून के अंदर हमारे श्रम विभाग के 15 कानूनों का विलय करके और उसको एक बनाया जा रहा है। इससे जो कामगारों के लिए जो देश के अंदर जो नीति बनी हुई है वो और ज़्यादा सघन हो जाएगी और कामगारों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम उस कानून का पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि असंगठित कामगारों के लिए इस तरह से उनके मूलभूत अधिकारों पर अगर केंद्र सरकार डाका डालने का प्रयास करेगी तो आज असंगठित कामगार कांग्रेस ने जिला कलेक्टर महोदय को पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिए हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ में सभापति पद को लेकर चुनाव प्रक्रिया 26 नवंबर होनी है, इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। एसडीएम कपिल यादव ने बताया कि 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद गणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं पार्षदों की बाड़ाबंदी फिलहाल चल रही है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जाएंगे, अभी तक जो है 2 प्रत्याशी हैं जो कंटेस्टेंट हैं, एक बीजेपी से एक कांग्रेस से। कल सुबह 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगा जो 2 बजे तक चलेगा, उसके पश्चात तुरंत पश्चात जो है काउंटिंग और जो परिणामों की घोषणा की जाएगी। 9 अक्टूबर को टाउन के वार्ड 33 के रहने वाले राजेंद्र बंसल के घर हुई चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने पर पीड़ित परिवार आज टाउन थाना सीआई से मिला। बंसल का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में चोर की पहचान होने के बावजूद 45 दिन बीत जाने पर भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे लाखों की चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। सीआई से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के जरिए चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग दोहराई। आठ 10 19 को मेरे घर पर दशहरे वाले दिन चोरी हुई थी, तो 9 को मैंने FIR लॉज कराई। 9 को FIR लॉज कराने के बावजूद भी आज तक चोर की भी शनागत हो चुकी है, चोर पक बिल्कुल इनको फुटेज दे चुके हम, फिर उसके बावजूद भी नहीं पकड़ में आ रहे हैं। तो हम इसलिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। सीआई साहब ने ये आश्वासन दिया भी हम कोशिश करेंगे। चोरी करीब अंदाजा 18-20 लाख के बीच में चोरियां शहर के अंदर और हुई थी, लेकिन उस चोरियों के 3 चोरियां पकड़ी गई, बाकी चोरियां पुलिस प्रशासन के पुलिस लाइन में भी हुई थी, आज तक वो भी नहीं पकड़ में आई है इनके। पिछले बहुत समय से हनुमानगढ़ शहर में कुछ चोरियां हुई हैं, लेकिन उसमें कोई भी चोर पकड़ा नहीं गया है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो मुस्तैदी से कार्य करे ताकि चोर पकड़े जा सके, पीड़ित को न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन ने हमें पुनः आश्वासन दिया है कि हम चोर को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, देखते हैं आगे उनकी क्या कार्रवाई रहती है। अब ये तो हिंदुस्तान है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कह रहा है हम तो चौकन्ने हैं, लेकिन फिर भी चोरियां तो हो ही रही हैं, दिन दहाड़े हो रही हैं और सारे शहर में हो रही हैं, कोई एक जगह नहीं हुई, 3-4 जगह हुई हैं उन दिनों, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। चोरों में भय होता तो चोरी काहे को होती है। इनके घर पर चोरी हुई थी जिसका मुकदमा दर्ज है और इसमें पुलिस ने मुलजिम को नामजद कर लिया है, भीम नाम का है, टाउन का ही कुख्यात नकबजन है, अपने जगह डेरे स्थान बदलता रहता है, अविवाहित है, ज़्यादातर अपना कर्म क्षेत्र है उसको यहाँ से हरिद्वार वहाँ रहता है, तो मेरी पुलिस टीम 2-3 बार वहाँ जाके आई है, शीघ्र इसको गिरफ्तार कर लेंगे। इस संबंध में आज परिवादी पक्ष उपस्थित हुआ था और ज्ञापन दिया था, जिनको आश्वस्त किया है कार्रवाई जल्दी से जल्दी संपन्न कर दी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयासरत है। वहीं लोक परिवहन की बसों के तेज गति से चलने की शिकायत पर यातायात पुलिस की ओर से
सभी बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में यातायात प्रभारी के साथ लोक सेवा परिवहन संचालकों की बैठक भी हुई। लोक सेवा परिवहन की बसों में स्पीड गवर्नर लगाने से निर्धारित स्पीड में चलाने के लिए संचालकों को पाबंद किया गया है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है और ज्यादातर सड़क हादसों का कारण वाहनों की तेज गति बना है। ऐसे में लोक सेवा परिवहन की बसों सहित अन्य वाहनों में भी स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं। यातायात प्रभारी सुशील खत्री के साथ लोक सेवा परिवहन के संचालकों की बैठक हुई, जिसमें निर्धारित स्पीड को लेकर पाबंद किया गया। वहीं संचालकों द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है ताकि निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जा सके। यातायात अधिकारी द्वारा हमारे को एक लेटर लिख के निर्देशित किया गया, अभी आपकी गाड़ियाँ जो है ओवर स्पीड से चल रही हैं और जगह जगह दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उसके उपलक्ष्य में हम माननीय यातायात अधिकारी से मिलने आए थे और उनको विश्वास दिलाया है अभी हमारी गाड़ियों के अंदर जो स्पीड गवर्नर हैं वो चालू हैं, लेकिन फिर भी कोई भी वजह से कोई ड्राइवर ने कोई छेड़खानी की है या किसी वजह से वो काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमने स्थायी समाधान के लिए साहब से समय मांगा है 7 दिन के लिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अकेले स्पीड गवर्नर के ऊपर हम निर्धारित नहीं रहेंगे, हम अपनी बसों के अंदर इस तरह का सिस्टम उसके अंदर लगाएंगे भी वो गाड़ी जो है ना स्पीड गवर्नर अगर काम नहीं कर रहा तो भी 80 से ऊपर या 75 से ऊपर नहीं भाग पाए, ताकि ड्राइवर अपनी मनमर्जी नहीं कर पाए और वो उसके साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकेगा। इसके लिए हमने साहब को ये विश्वास दिलवाया है भी 7 दिनों का हमारे को टाइम दिया जाए, अगर उसके बाद भी कोई गाड़ी तेज़ गति से पाई जाती है या किसी प्रकार की कोई ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसको हम साहब के साथ मिलके पास खड़े होके उस समस्या का समाधान करवाएंगे, अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम खुद खड़े होके कार्रवाई करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में लोक परिवहन के द्वारा जो एक्सीडेंट हुए हैं और मृत्यु हुई हैं उसको लेते हुए हमारे SP महोदय ने भी काफ़ी गंभीरता दिखाई और मुझे पाबंद किया कि मैं लोक परिवहन सेवा के जो बसें चलती हैं उनके यूनियन को बुलाऊँ और उन बसों की स्पीड के संबंध में बात करूं। इस पर मैंने इनको एक लेटर लिखा था कि सभी बसों में स्पीड गवर्नर लगाया जाए और 70 से 75 की स्पीड को तय किया जाए। इस पर आज ये यूनियन वाले मेरे पास आए हैं और इन्होंने मेरे को एक लिखित में रिपोर्ट दी है जिसमें इन्होंने लिखा है कि हम 70 से 75 की स्पीड पर ही बस चलवाएँगे और अगर हमारे ड्राइवर कोई गलती करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। NFSA की ओर से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक बार फिर पात्र अपात्रों की जांच की जा रही है। इसके तहत प्रपत्र के माध्यम से पात्र और अपात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। वहीं DSO सुनील कुमार ने बताया कि अब 1+1 आवंटन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। अब एक ही माह का गेहूँ का आवंटन डिपो होल्डरों को किया जाएगा, जिसके चलते उसी माह की गेहूँ नहीं ले जाने वाले पात्रों को अगले माह बकाया राशन का वितरण भी नहीं होगा। जो NFSA के अंदर पात्र और अपात्र परिवारों की सूची का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें जो अपात्र है उनको एक प्रपत्र के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। भौतिक वेरिफिकेशन होने के बाद में उनका अगर वो पात्रता की शर्तें नहीं रखते हैं तो उनको हटाया जाएगा और साथ ही एक अभ्यंत सूची तैयार की जा रही है उसका भी निस्तारण किया जाएगा। और अभी नेक्स्ट मंथ से जो आवंटन होगा वो 1 मंथ के लिए होगा, पहले 1+1 चल रहा था, जो 1+1 ना होकर के अब 1 महीने के लिए ही उसको उसी महीने के लिए उसमें गेहूं का आवंटन और उसी महीने उसका उठाव होगा ताकि कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके, उसको फिर गेहूं नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट। और इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हमारे जो EIs है, हमारा जो वर्किंग स्टाफ है वो फील्ड में जा रहा है और निरंतर विजिट कर रहा है और लोगों को इस बारे में अवेयर किया जा रहा है। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है, आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपनाओ, चिंता मुक्त हो जाओ।
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत ग्राम सचिवों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ लंबी कार्य को लेकर कर योजना तय करने और पावती रसीद देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। तो सबसे पहले सशक्त करना, जो हमने समझा वीडियो साहब से मेरी चर्चा हुई हमारी, भी आपको सशक्त करना जरूरी है, इस एक्ट के बारे में बताना जरूरी है। इससे पहले कोई चर्चा नहीं हुई होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी को है ना जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला अपना जो प्रयास ये रहेगा कि जनता को अपने इन एक्ट के तहत पावती दें। इन एक्ट के तहत एक प्रारूप है निर्धारित, पहुंची अपना प्रारूप पावती का प्रारूप, पावती का प्रारूप अपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में, हाँ नियम चार अभिस्वीकृति इसमें साथ में संलग्न किया, संलग्न किया 2011 वाले में आप देख लेंगे। अभिस्वीकृति का प्रारूप एक नियम चार देखिए 16 नंबर पेज, अब उनकी रसीद बनेगी। इसमें लिखा हुआ है पदाधिकारी अधिकारी का नाम, कार्यालय का पता, इसके बाद में आवेदक का नाम और पता, दो नंबर है पदाधिकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की तारीख, तीन नंबर है सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है, और ये जरूर लिखना है दो जो चार और पाँच ये कंपल्सरी है। कई जगह हमने देखा है कि सिर्फ तीन तक एंट्री कर सकते हैं, चार मतलब ठीक नहीं है। एक्ट की जो मंशा है ना, ये अपनी जरूरी है कि कॉलम की प्रविष्टियां जितनी भी है ना इनकी पूरी हो। कहने का मतलब दस्तावेज क्या दिए उसने अपने अपने जो प्रकरण जो उसका आवेदन आया है वो भी, उसके साथ में दस्तावेज की सूची क्या है। चार नंबर में है उन दस्तावेजों की विशिष्टियां जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किंतु आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, अगर उनका आवेदन कम्प्लीट नहीं है तो आपको लेना ही नहीं है, ना रिसिप्ट देनी है। मेरी आज की जो मीटिंग है वो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के संदर्भ में पंचायत समिति हनुमानगढ़ के अंदर मैं एक छोटा ट्रेनिंग सेशन मैंने आयोजित किया है। इसके अंदर सभी ग्राम सेवक जो अपने ग्राम पंचायत स्तर से हैं वो आज उनको इस ट्रेनिंग सेशन में सम्मिलित किया गया है। इनको ट्रेनिंग के जितने भी जैसे सबसे पहले पावती रसीद के बारे में बताया गया कि जो भी आवेदन आपके पास लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आता है उसमें आपके पंचायत समिति के जो अधिसूचित कार्य हैं आम जनता के, उनके आवेदन लेते हुए उनमें पावती रसीद देवें। दूसरी बात, पावती रसीद के अंदर आप सब जितने भी दस्तावेज हैं आवेदन के साथ जो संलग्न दस्तावेज जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो पावती के साथ जरूर लेवें। नेहरू युवा महिला मंडल की ओर से जंक्शन स्थित कन्या महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा सहित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुमन चावला ने शिरकत की। नेहरू युवा मंडल की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाषण, वाद विवाद सहित डांस व नाटक आदि कार्यक्रम करवाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वावलंबी बनाना था। विचारों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। क्या हाल बना रखे है तुमने अपना? चल हट रे बुढ़िया। बेटा तो हमें इतना दुख क्यों दे रहा है? हमने तुझे कितने प्यार से पाला और तो हमें ये दिन दिखा रहा है। अरे कैसा प्यार तुम्हारा? ये क्या तरीका है अपनी माँ और दादी से बात करने का? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करना। डॉक्टर साहब मेरा पोता गलत संगत में पढ़कर नशा करने लगा है, अब आप ही कुछ कर सकते हो। बेटा तू जल्दी जल्दी में अपना लंच बॉक्स तो भूल ही आई। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा। विश्व के अनुरोध पक्ष की ओर विचार करें तो मुझे एक तरफ जानकर यह बड़ी प्रसन्नता होती है कि नारी शक्तिकरण लाडली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजना लागू की जा रही है, जो साबित करती है कि आज भी बड़े पदों पर बुद्धिमान जीव लोग रहते हैं जो आस्टिन की संरचना में आधी भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ यह सोचकर मुझे काफ़ी दुख होता है कि भारत जैसे देश में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको ये बताने की ज़रूरत है कि नारियों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। बेटियों को शिक्षित बनाने और उन्हें पहचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मंडल से महिला मंडल की अध्यक्ष शोभा रानी बोल रही हूँ।
आज नारी सशक्ति कार्यक्रम करवाया गया, जिस पर नारियों के संदेश दिया गया, जागरूकता की गई कि आज भी नारी घर से नहीं निकल पा रही है, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है नेहरू युवा महिला मंडल की तरफ से। इसमें डांस, नाटक, इसके थ्रू तो मतलब सुमन चावला जी ने अपनी स्पीच देकर, अपने अनुभव जीवन का बताकर सभी को प्रेरित किया है कि किस तरीके से लड़की को अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। नेहरू युवा महिला मंडल की तरफ से था। नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि के छात्र छात्राओं द्वारा काल्पनिक तथ्यों पर आधारित स्टेट बनाम जियो उर्फ रज्जो नामक प्रकरण पर मूट कोर्ट का मंचन किया गया। मूट कोर्ट के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 306 और 498 ए पर सुनवाई की गई। अरमला कॉलेज में आयोजित मूट कोर्ट में राज्य की ओर से लोक अभियोजक के रूप में मेघा ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय में अभियुक्ता को उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत दोष सिद्ध करने की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता के रूप में नम्रता जैन ने अपनी दलीलों के माध्यम से अभियुक्ता को दोषमुक्त किए जाने की मांग की। माननीय न्यायाधीश के रूप में खुशबू जैन ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और बाद में मामले में अभियुक्त जियो उर्फ रज्जो को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। मूट कोर्ट का निर्देशन सहायक प्रोफेसर ऋषुदेव बंसल द्वारा किया गया। उन्होंने विधि के छात्र छात्राओं को मूट कोर्ट के उद्देश्य, न्यायिक कार्यवाही और विचारण प्रक्रिया से अवगत करवाया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार जाखड़ द्वारा सभी पात्रों के अभिनय की सराहना की गई और कहा कि इस प्रकार के मंचन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जो कि उनके व्यक्तित्व और विकास में सहायक है। विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ से अधिवक्ता अलंकार सिंह, नितिन छाबड़ा, नरेंद्र वर्मा ने मूट कोर्ट के मंचन करने वाले पात्रों की प्रशंसा की और उन्हें न्यायालय के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की बारीकियों से अवगत करवाया। आपका नाम? आपकी उम्र? 42 साल। आपकी जाति? सोनी। वैसे कहाँ की निवासी हैं आप? तिब्बी। तो कालूराम जी, इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, न्यायालय को बताइए। घटना के दिन मैं अपने किराने की दुकान पे था, 9:15 बजे राधे श्याम अपनी मम्मी को बुला के मेरे घर आया और कहा कि उसकी पत्नी और माँ के बीच झगड़ा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो मेरे घर से बाहर जाने लगे, उतनी ही देर में सुमन घर से जल्दी बाहर निकली। आसपास के मोहल्ले वालों ने उसकी आग कंबल गए मिट्टी डालकर बुझाई। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, तो जब हॉस्पिटल लेके गए थे आप साथ थे? हाँ, मैं साथ था। अच्छा, तो कालूराम जी, इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे आप? कहेंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी? मैं शपथ लेती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आपका नाम? तारा। आपकी उम्र? 40। आपकी जाति? वैसे तारापंती जी, आप कहाँ की निवासी हैं? हम दिल्ली के निवासी। तो तारापंती जी, आप इस घटना के बारे में न्यायालय को क्या बता सकते हैं, कृपया करके बताइए। घटना वाले दिन सुबह राधे श्याम मेरे घर आया, उसने मुझे बताया कि जो सास बहू है वो आपस में सुबह से झगड़ा कर रही है, आके उन्हें समझाइए। अच्छा, तो उसके बाद फिर कुछ हुआ? उसके बाद जैसे ही हम पहुंचने वाले थे तो हमने देखा कि सुमन जो है उसके आग लगी हुई थी और घर से भागते हुए बाहर आ गई। तारापंती जी, आप घबराइए नहीं, आप आगे बताइए आगे क्या हुआ। फिर वो एक जगह राय सिंह जी का घर था, वहाँ चली गई जहाँ पे काफ़ी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने जल्द से जल्द रेता डाला, कंबल डाला, उसकी आग बुझाई, उसको अस्पताल ले गए। शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। वैसे तो हम ट्रेंड जो एडवोकेट्स है उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं बतौर मास्टर ट्रेनर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जैसे पहली क्लास के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, हाथ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ा और उनकी जो उनमें सूझबूझ देखने को मिला, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बच्चों का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था वो बहुत बढ़िया, एक अच्छे स्तर का था। मैं इसके लिए बंसल साहब को बधाई दूंगा, हमारी मैनेजमेंट को बधाई दूंगा। उन्होंने इतना बढ़िया वहाँ भी वेल डिसिप्लिन तरीके से नहीं जाते, इसका अक्सर प्रभाव फैसलों पर पड़ता है। यदि आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो, आपका खड़े होने का तरीका क्या है, इसका सारा प्रभाव सीधा सीधा सामने प्रोजेक्टिंग ऑफिसर जो बैठा होता है उसके ऊपर जाता है। वो बड़े जिस कॉलेज में से सीख के आज हम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और जिस फील्ड में हम जाके अपना काम कर रहे हैं, उस फील्ड की शुरुआत, उस फील्ड की जड़ ये हमारा कॉलेज रहा है। एक आपको और बात बता दूँ, मुझे बड़े लंबे समय बाद यहाँ आने का मौका मिला। जिस समय मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इसी जगह पर मेरा एग्जामिनेशन टेबल था, यहीं बैठकर मैंने पेपर दिया।
यही हमारा रूम था और आज उसी पेपर में देने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज मुझे आपको संबोधन करने का मौका मिल रहा है। अब मैं मुद्दे की बात पे आऊँ, जो अपने यहाँ ट्रायल फेस चला उसके बारे में थोड़ा सा जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जब थोड़ी बहुत ही बात जो आई है मेरे सामने वो उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा। जिस प्रकार आप सभी लोग इस समय भी कोर्ट की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सबसे पहले ये जज साहब हैं, अपना संविधान, अपनी कोर्ट जो है संस्कृति से हमेशा, हिंदुस्तान संस्कृति से हमेशा जुड़ी रहेगी। जानकारी नहीं है तो आप इसके बारे में जरूर बताएं कि मूट कोर्ट का क्या अधिकार है। मूट कोर्ट हमारे विधि तृतीय वर्ष का एक प्रैक्टिकल पेपर का हिस्सा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार हमारे विश्वविद्यालय ने इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया हुआ है और उसी संदर्भ में हम इसका आयोजन करवाते हैं। ये एक न्यायालय है, मैंने अभी शुरुआत में कहा कि एक न्यायालय है। कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया जिसमें कि बच्चों को, जितने विद्यार्थी हैं उनको यह बताया जाता है कि किस तरह से कोर्ट की कार्यवाही होती है ताकि आगे जाने वाले भविष्य में उनको कोई दिक्कत ना आए। प्रैक्टिकली तौर पर हर उस वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोट कोर्ट का आयोजन हुआ है। इसमें कॉलेज के विद्यार्थी जज बने हैं, वकील बने हैं, पुलिस बने हैं, कॉलेज के अध्यापकों ने इनके पिछले एक महीने से इनकी तैयारी कराई है। यह हमारे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण इनका प्रैक्टिकली तौर पर हमें बताया जाता है उसके बाद में, ताकि भविष्य में जब भी हम वकील जज बने आगे कोई दिक्कत ना आए। सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह के तहत सोमवार को संरक्षण दिवस मनाया गया। वीएम कॉलेज में हुए कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण विषय को लेकर छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए जिसमें छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता भी है और इसमें हमने जल कैसे बचा सकते हैं और पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो अधिकतर कुएं बावड़ी वगैरह बना के हम जल को सेव कर सकते हैं क्योंकि आजकल हमारा जल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और जहाँ तक माना जाता है ये हमारी धरती का खून माना गया है, धरती के लिए खून है वाटर, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें वरना हमारी धरती सूखी पड़ जाएगी। और हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जब प्रकृति हरी भरी होती है तो मतलब जो हमारी प्रकृति माँ है वो कितनी ज़्यादा खुश होती है, और जब हम सारे पेड़ काट देते हैं तो प्रकृति मतलब ऐसे रो रही है, हमने यही इसमें ड्रॉ किया। और जब प्रकृति खुश होती है तब हम सभी भी खुश होंगे, पर्यावरण अच्छा होगा और मतलब वायु भी शुद्ध होगी तो इससे बीमारियाँ भी कम लगेंगी। लेकिन जब प्रकृति माँ ही खुश नहीं है तो हम सब कैसे खुश रह सकते हैं। क्या करने की ज़रूरत है? हमें और से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जैसे कि हमें अपने जन्मदिन पर जैसे एक दो चार पेड़ लगवाने के मतलब ऐसे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट करना चाहिए। कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन जी के आदेशानुसार यह सप्ताह सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि थी। आज का दिवस संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया जिसके अंदर दो विषय रखे गए, जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण। इसके तहत विभिन्न छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया और उसके अंतर्गत उसमें हमारे परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम स्थान कीर्ति, द्वितीय स्थान पर मनजोत व तृतीय स्थान दो छात्राओं ने पलक व विजयलक्ष्मी ने प्राप्त किया। छात्राएँ इस तरह की गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेती हैं। यह हमारा सौभाग्य का विषय है कि महाविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। 754 के किसानों का धरना लगातार जारी है। आबाद घोषित होने से आक्रोशित किसान लगातार संघर्षरत रहकर बाजार भाव के अनुरूप कृषि भूमि का मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। किसानों को उचित मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसानों को उचित मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसानों को उचित मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 754 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। NH 754 के किसान संघर्ष समिति का धरना आज 170वें दिन जारी है और इन दिनों में किसानों द्वारा जो भी आवाज़ उठाई गई है उस पर न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक रवैया अपनाया है। किसान
अब अभी थोड़ा खेतों के अंदर काम था, कनक की बिजाई वगैरह का काम था, लेकिन अब वो काम हो चुका है और भैया किसानों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। आज से करीब 170 दिन के बाद भी सरकारों ने दोनों नहीं, पहले यहाँ MP भी आए, MLA भी आए, कोई ये कह गया जी 10 दिन में मैं सलटा दूंगा, 15 दिन में मैं सलटा दूंगा, लेकिन आज तक ना तो राज्य सरकार ने इसको रिवाइज किया ना केंद्र इस पर कोई ध्यान दे रही है। हम ये भी जैसे बता रहे रमेश जी दलाल हमारे जो किसान नेता हैं वो अभी हमारे बीच में आएंगे, उन्होंने नितिन गडकरी से टाइम लिए, इसी 3 दिन के दौरान वो उनका मिलने का प्रोग्राम है, हो सकता है हमारे साथी भी जब वो मिलेंगे तो हम जाएंगे यहाँ से। उसके बाद कानूनी तौर पर 3D जो एक है उसमें कानूनी प्रक्रिया में इन्होंने बदमाशी की है, वो रिवाइज नहीं किया, उसके ऊपर भी फ्रोजरी का मुकदमा 420 का वो तैयारी करके वहीं से फाइलें बना के लेंगे और यहाँ दर्ज करवाएंगे। सुरक्षित बचपन के लिए एक अभिनव पहल स्पर्श कैंपेन के तहत सरस्वती स्कूल में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर सुदेश चौधरी ने उपस्थित बच्चों को स्पर्श कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में बाल शोषण की घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, ऐसे में हमारा यह सामाजिक दायित्व हो जाता है कि हम अपने बच्चों को हर प्रकार के खतरों से आगाह करते रहें। बाल शोषण के मामलों में बच्चा मानसिक रूप से परेशान और शारीरिक रूप से कमजोर होने लग जाता है, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच का फर्क सिखाएं। दूसरी तरफ जो छूना किसी अनजान व्यक्ति का या हो सकता है घर के किसी जानकार अंकल चाचा दादा मामा काका किसी की भी, अगर आपको ये लगता है कि यार ये मेरे को गलत नियत से छू रहा है या जिसके छूने से आपको इरिटेशन गुस्सा आता है कि क्यों कर रहा है ऐसा, होता है ना ऐसा भी होता है यार क्यों छू रहा है मेरे को क्या मतलब है इसको, वो होता है आपका बुरा। तो अपन बात किसकी करेंगे अभी, और उसमें भी गुड टच एंड अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। अच्छा स्पर्श क्या हो सकता है, आपके पेरेंट्स ने आपको हग किया, फ्रेंड्स ने आपस में मिले है ना हाथ मिलाया हग किया और एक वो प्लानिंग करते हैं, करते हैं ना प्लानिंग, पांच चार लोग आज जिसकी अपन ने इसको उर्दू बनाना है तो पांच चार लोग बैठ के अंदर प्लानिंग करेंगे, एक दूसरे को छूलेंगे, गले लगेंगे, चैन बनाएंगे, स्कूल में होता है ना चैन बनाओ बच्चों, होता है एक दूसरे का हाथ पकड़ा, वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके माँ बाप हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके अंकल हो, चाचा हो, पड़ोसी हो, जो भी वो व्यक्ति जो आपको जानते हैं और उनका छूना जो आपको खुशी महसूस देता हो वो होता है, और वो व्यक्ति जो आपको जानते भी हो नहीं भी जानते हो, जानते हो नहीं भी जानते हो, अंधा व्यक्ति भी हो सकता है कोई, जिसके किसी भी अनावश्यक छूने से आपको गुस्सा आता है वो है। स्पर्श ऑर्गेनाइजेशन की टीम हमारे स्कूल में आई जिसने हमारे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करवाया। आज के दौर में बच्चों के साथ जो बुरी घटनाएं हो रही हैं उनसे बचाव के लिए बच्चों के बीच में गुड टच और बैड टच की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो इस टीम ने आकर हमारे बच्चों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इस गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया, जिससे हमारे बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज मिली और हम ये इससे अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते ही समाचार, नमस्कार।